Today, we will read the remaining part of punctuation number 8. 7 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, 8 हो जाएगा. The quotation mark, the quotation mark. अब ये quotation mark का चिन्ह, ब्रैकेट क्लोज्ड. हम ये देखते हैं कि जो बात किसी के द्वारा कही जाती है उसको हम एक कामा में क्लोज करते हैं. जैसे हरी सेड टू हिज टीचर, हरी सेड टू हिज टीचर व्हाट इज योर नेम. अब इसको एक कोटेशन में, हरी ने कहा और हरी के कहे हुए बात कोटेशन हो गया, उसको हम ये इनवर्टेड कॉमा में क्लोज करते हैं. ये भैया बहनों, ये हमारे नरेशन पढ़ने में आता है, जैसे चेंज करने के लिए. नरेशन, द टीचर सेड, द टीचर सेड कॉमा, और जो टीचर सेड क्या कहा उस वाक को हम कोटेशन में क्लोज करते हैं. तो जैसे एग्जांपल, हो जाएगा वी मस्ट डू आवर ड्यूटी, वी मस्ट डू आवर, यू मस्ट डू आवर ड्यूटी. अब देखिए, यू मस्ट डू आवर ड्यूटी ये कामा हो गया. और जो जो कहेगा, ठीक है, ये किसने कहा, द स्पीकर सेड, जो कहा है स्पीकर सेड, ठीक है. अब इसको दो कामा में क्लोज हो जाएगा, ठीक है. द स्पीकर, द स्पीकर सेड. अब ये किसने कहा, स्पीकर सेड, तो ये स्पीकर सेड कहा, तो इसके जो कहा है अर्थात स्पीकर सेड ये कहा है, और इसके कहे हुए वाक्य को, सेंटेंस को हम ये इनवर्टेड कॉमा में क्लोज करते हैं, ठीक है. अब इसको हम क्लोज कर दिए. अब 9th, ठीक, इसी प्रकार से हमको नरेशन में हेल्प मिलेगा. 9th हो गया, द एपोस्ट्रॉफी, द एपोस्ट्रॉफ, द एपोस्ट्रॉफ, ठीक है, एपोस्ट्रॉफ. अब इसका इंडिकेशन क्या होगा, एपोस्ट्रॉफ, ठीक है. एपोस्ट्रॉफ का इंडिकेशन होता है इस प्रकार से, जैसे भैया बहनों, एपोस्ट्रॉफ होता है कि दिस बुक इज राम्स, ठीक है, दिस बुक सो ऑफ रहीम, या दिस इज रमेश फ्रेंड. अब देखो, अब दिस बुक्स, अब एपोस्ट्रॉफ मतलब कि राम्स फ्रेंड, छोटे भाग में देखिए, राम्स फ्रेंड, That is yours bag, ठीक है. तो apostrophe का मतलब ये हुआ कि हम उसमें ये चेंज करते हैं तो आप का ये उच्चारण होता है. जैसे गर्ल्स साइकिल, मैन मैंस बुक, बॉयज बुक, ठीक है, एज, जैसे मैन, एम apostrophe मैंस बुक, आदमी का किताब, ठीक है. और क्या हो जाएगा, मैंस बुक, या रोहन्स फ्रेंड, या राम्स फ्रेंड, एपोस्ट्रॉफी एस, राम्स एफ आर आई ई एंड, राम्स फ्रेंड.
इसको हम एक लार्ज सेंटेंस में लेंगे, दिस इज राम्स बुक, दिस इज हरीज बुक, तो ए पश्चापी का मतलब है का किकी का इसमें प्रोनाउंसिएशन होता है। सेकंड एग्जांपल और हो जाएगा, ये आप चलते हैं टेंथ में, चलो टेंथ, टेंथ हो जाएगा ब्रैकेट्स, ठीक है, टेंथ बी आर ए सी के ई टी ब्रैकेट्स। अब ये ब्रैकेट्स देखिए, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। अब ब्रैकेट्स का यूज जो है वास्तव में मैथ में होता है, ब्रैकेट्स का यूज भैया बहनों अधिकतर मैथ में होता है, समीकरण के लिए पहले किस छोटे कोष्ट को तोड़ते हैं, बड़े कोष्ट को तोड़ते हैं, इस प्रकार से हमारा ये मैथ के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। परंतु यहाँ इंग्लिश में हम इसका यूज कैसे करते हैं तो देखेंगे। ब्रैकेट्स में अब इसका यूज क्या है तो आप इसको देखें, कांगो फॉर्मली एज एग्जांपल, जैसे कांगो, ठीक है, कांगो कोस्ट फॉर्मली, ठीक है, कांगो फॉर्मली जेड जेड ए आई आर जेर्स। अब इसमें एक क्लोज, ही, ठीक है, ही इज एक क्लोज कोज कोस्ट में एज एज ही एज ही ऑलवेज एज ही देखो एज ही ऑलवेज ए आर ए बी ई एल आर ए हो जाएगा ऑलवेज रेबल आर ई बी ई एल रेबल, ठीक है। अब हो जाएगा एलेवेंथ, एक एक एग्जाम्पल देकर के, एलेवेंथ है डैश, ठीक है, एलेवन डी ए एस एच डैश। अब ये डैश का इंडिकेशन ये है डैश। अब डैश क्या होता है, जैसे हम कभी कभी देखते हैं डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो इस प्रकार से डॉट डॉट करते हैं डैश डैश डैश, कभी हम की भाषा में बोलते हैं कि राम डैश 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 डॉट डॉट डॉट, तो इसका यूज क्या है, ये हमारा ये प्रकार का ये काइंड ऑफ पंक्चुएशन, ये भी पंक्चुएशन है। आपको जब किसी सेंटेंस में दिया जाएगा तो कहां डैश का प्रयोग करना है, कहां डॉट डॉट का प्रयोग करना है, राम एंड अदर्स डैश 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 डॉट डॉट डॉट, तो इस प्रकार से कोई वाक व्यक्ति बोलता है तो उस व्यक्ति वाक को सेंटेंस को हम पंक्चुएशन के आधार पर कोई बात नहीं बताएगा, हम समझते जाएंगे, जिसके पास पंक्चुएशन होगा वो समझेगा कि वास्तव में हम लास्ट स्टेंजा में हम कैपिटल का प्रयोग कहाँ करते हैं, स्मॉल का प्रयोग कहाँ करते हैं, सेमी कोलन का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये फुल स्टॉप कहाँ करते हैं, ये हमको पहले से पंक्चुएशन पढ़ने के बाद पता होना चाहिए, इसलिए हमको ये सेंटेंस के बिल्ड करने में हमको हेल्प मिलता है। इस प्रकार से डैश डैश को हम देखते हैं कि डैश का ये हमारा इंडिकेशन हो गया डैश। डैश का यूज है जैसे यस, ठीक है, हम कहते हैं पहले यस या माय सन, यस एग्जांपल, यस, ठीक है, फिर डैश, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, यस यस यस, हाँ, वेल, डब्ल्यू ई डबल वेल, जिसे कोई कहा कि क्या
उसके उसको आप आपने देखा, यस आई वेल नोन टू हिम, मैंने उसको ठीक से देख लिया, तो आई यस वेल, फिर डैश आई वुड, आई डब्ल्यू ओ यू एल डी, आई वुड, मैंने देखूंगा, अर्थात ये डैश ओनली यू, ओनली यू सी, ठीक है, ओनली यू सी, फिर इसके बाद ओनली यू सी के बाद फिर डैश डैश, इट इज नॉट इजी, आप देखो इट इज, अब इट, इट इज डैश, इट इज नॉट, इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट ई एस वाई, इट इज नॉट इजी। अब ये हम देख लिए, इस प्रकार से ये एक और उदाहरण देखेंगे, कम टुमारो, कम टुमारो डैश इफ यू कैन, जैसा तुम कर सकते हो, कम, कम टुमारो टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्लू, कम टुमारो डैश डैश इफ यू, इफ यू कैन, ठीक है, इफ यू कैन, ये 12 अंतिम में 12 हाइफन एच वाई पी एच ई एन, आप देखिए हाइफन में क्या है, छोटा कामा की तरह, ठीक, हाइफन, इसका चिन्ह किस प्रकार से होता है, तो मदर इन लॉ नॉट स्टिक, ठीक है। अब इस प्रकार से हम दो व्यक्तियों के बीच में बॉयज एंड बॉयज, मदर इन लॉ एज एग्जाम्पल, एज हो गया, वैसे मदर इन लॉ मदर इन लॉ, मदर इन लॉ कामा डैश का प्रयोग यूज हो गया, नॉन स्टिक, नॉन स्टिक एस टी आई सी के, इस प्रकार से मदर इन लॉ फादर इन लॉ ब्रदर इन लॉ ऐसे हम कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ रहा, अब इसको हम लोग होमवर्क लेंगे, पंचुएट द फॉलोइंग, ठीक है, ये होमवर्क, सबको मिला करके हो जाएगा पंचुएट होमवर्क। पंचुएट द फॉलोइंग फॉलोइंग सेंटेंसेज, सेंटेंसेज, अब इसको हम लोग पंचुएट करेंगे, कहाँ कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, कहाँ फुल स्टॉप का है, इस कहाँ क्वेश्चन मार्क का है, कहाँ कोटेशन का है, कहाँ सेमी कोलन का है, इस प्रकार से हम इसका उपयोग यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट What's your phone? NUMBER. What's your phone number? Second हो गया. Open the
विंडो गोपाल, ओपन द विंडो राम, ओपन द विंडो राम। अभी थर्ड, वाट, वाट इज योर नेम। फोर्थ, आर यू गोइंग टू द स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल। फाइव, देर आर 75 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। ठीक है, सिक्स, हु इज योर क्लास टीचर, सेवेंथ, आई हैव डन माई वर्क, एट ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही है कंप्लीटेड हिज होमवर्क। इस प्रकार से पंचुएशन आज हम लोगों ने फिनिश किया, और पंचुएशन का यूज हमारे सेंटेंस के बिल्ड में होता है। हम लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, या किसी प्रकार से हम सेंटेंस कोई बोलता है उसको हम लिखते हैं, तो हम इन पंचुएशन का यूज कैसे कैसे करते हैं, कहाँ वास्तव में कामा, कहाँ सेमी कॉलन, कहाँ फुल स्टॉप, कैसे हम इसका यूज करेंगे, यह हमको बताता है। इस प्रकार से भैया बहनों आज हम लोग यहीं तक, फिर अगले सोपान से हम लोग फिर बुक पढ़ेंगे। थैंक यू।